नमस्कार, आज हम जानेंगे कि घर पर हम पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था यानी कि मटका फिल्टर कैसे बना सकते हैं। मटका फिल्टर बनाने में मात्र 250 रुपए का खर्च आता है। इसमें बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती और पानी बिल्कुल साफ और शीतल हो जाता है। मटका फिल्टर बनाने के लिए 3 अलग अलग आकार के मटके ले लीजिए और उसे ढकने के लिए एक मिट्टी का ढक्कन, एक टोटी वाला नल, थोड़ी सी रेत, लकड़ी का कोयला, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, साफ रुई और मटका रखने के लिए एक लोहे का स्टैंड और एक ग्लास। सबसे पहले तीनों मटकों में से सबसे बड़े वाले मटके में सूजे की सहायता से नीचे की ओर एक बड़ा छेद करेंगे जिसमें टोटी या नल आसानी से लग जाए। अगर टोटी लगी हुई है और ऐसा मटका उपलब्ध है तो फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मध्यम आकार के मटके की तली में बारीक छेद करेंगे और रुई से एक बाती बनाकर मटके के छेद में लगाएंगे जिससे पानी भरने पर बूंद बूंद निकलता रहे। अब हम आकार में जो मध्य मटका है उस मटके की सतह के अंदर एक सूती कपड़ा बिछाकर उसमें 2 इंच तक रेत यानी कि बालू बिछाएंगे। इसके बाद फिर सूती कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर कोयले के टुकड़े बिछाएंगे। इसके बाद फिर से एक सूती कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ईंट के टुकड़े को बिछाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि सूती कपड़ा इस प्रकार बिछाएं कि तीनों सामग्री यानी कि रेत, कोयला और ईंट के टुकड़े आपस में ना मिल पाएं और ये तीनों सामग्री मटके में डालने से पहले 3 से 4 बार साफ पानी से धोना है। इसके बाद हम लोहे के स्टैंड को समतल स्थान पर रखेंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जहां मटका फिल्टर स्थापित किया जा रहा है उस स्थान पर साफ सफाई होनी चाहिए। अब स्टैंड पर सबसे बड़े आकार का नल वाला मटका रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर मध्य आकार का मटका जिसमें हमने सामग्री को बिछाया है। इसके बाद हम आकार में सबसे छोटे मटके को मटकों के सबसे ऊपर रखेंगे। बाद में हम सबसे ऊपर वाले मटके में डिब्बे की सहायता से पानी डालेंगे और उसे ढक्कन से ढक देंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम पानी केवल ऊपर वाले मटके में ही डालेंगे और नीचे वाले मटके से ही पानी निकालेंगे। बनकर तैयार हो गया हमारा मटका फिल्टर, पर हमें कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि मटके को स्टैंड पर रखें ताकि मटके की ऊंचाई होने के कारण हम आसानी से पानी निकाल सकें और समय समय पर लगभग 20 से 25 दिनों में बालू, लकड़ी का कोयला और ईंट के टुकड़ों को बदलते रहना है। साफ और शीतल जल के लिए मटका फिल्टर को हम सरकारी स्कूल, पंचायत, आंगनबाड़ी और अपने अपने घरों में लगा सकते हैं ताकि हम साफ और स्वच्छ पानी पिएं और गंदे पानी से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचें। साथ ही ये सारी सामग्री हमारे गाँव में आसानी से मिल जाती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मजदूरों को भी इससे रोजगार मिलेगा।